तो दोस्तों आज हम ऐसे कुंड के सामने हैं जिसके लिए माना जाता है कि ये चर्म रोग विशेषज्ञ कुंड है, यानी कि इसमें नहाने मात्र से, स्नान करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना और साथ में आपका स्किन इन्फेक्शन जो आज के दौर में ज़्यादातर लोगों में चलता है, मुहासे, कील, मस्से वगैरह सारे सही हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये कुंड की मान्यता सत्ययुग और द्वापर से भी जुड़ी हुई है, यानी कि कृष्ण जी जब काले वन का वध कर आए थे तो इसी कुंड के पास उन्होंने विश्राम किया था, और यहाँ आने के बाद उन्होंने एक डायरेक्टली सुरंग बनाई थी जो सीधे वृंदावन को निकलती है। हम उस सुरंग को भी दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें स्नान करते हैं। में स्नान करने के बाद उसके बाद मान्यता ऐसी है कि सामने हमारे ठीक सामने जो मंदिर बना हुआ मसाने वाले महादेव का, जो कृष्ण जी ने स्वयं स्थापित किया था जब वो धौलपुर से काले वन का वध कर आए थे, उसमें भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, तभी आपकी मनोकामना और आपकी स्किन इन्फेक्शन जो है वो पूरा ठीक होता है। वो आप ठीक सामने देख रहे हो, वो मंदिर बना हुआ है मसाने वाले महादेव जी का, उसमें चलते हैं और उसमें पूजा करते हैं, तभी हमारी ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। ये तो बिलास महाराज जी का मंदिर है, इसके दर्शन हम कर चुके हैं, और जो वृंदावन श्री कृष्ण जी गए थे जिस सुरंग से, वो सुरंग जो है इन आज के समय में ये सुरंग बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हादसे वगैरह हो जाते हैं, लोग मानते नहीं हैं। तो दोस्तों ये था मिथुरा कुंड, जो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो माना जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि जब चर्म रोग हो जाता है तो उसके लिए खास माना जाता है। ये आगरा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ आराम से आप आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चर्म रोग है उसमें स्नान करने मात्र से ही आपके चर्म रोग ठीक हो सकते हैं। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।